बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मई 2024, तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए केडीबी लाइव लेकर के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की ऐसी बातें कही है जो अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री नहीं बने। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनावी भाषण में लगातार स्लिप ऑफ टंग के शिकार हो रहे हैं। जहां आए दिन उनकी जुबान फिसल रही है, जहां रविवार को एक बार फिर से एक सभा के दौरान नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने की कामना कर दी। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया। दरअसल नीतीश कुमार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दनियावां इलाके में एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे थे। इस बीच सीएम नीतीश कुमार बोलते गड़बड़ा गए। सीएम नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद के कमल छाप पर वोट देने के लिए जनता से आग्रह किया और कहा कि हम तो चाहते हैं कि एनडीए बिहार की सभी 40 की 40 सीटों पर विजय हो, बिहार की सभी 40 सीट जीते और देश भर में 400 सीट जीते और नरेंद्र मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो और बिहार का भी विकास हो। ये सुनते ही उनके अंगरक्षक ने कान में कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अरे वो तो प्रधानमंत्री है ही, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और वो आगे बढ़े। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी पर राजद ने पलटवार किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वे तेजस्वी को जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसीना छुड़ा रखा है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी मुझे हराना चाहते हैं, इसलिए उसे जेल भेजना है। जब शक्ति सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये पूरे देश को बताना चाहिए कि उन्होंने तेजस्वी को धमकी किस हैसियत से दी है। क्या वे फिर से अपनी किसी पालतू एजेंसी से तेजस्वी पर कोई मनगढ़ंत केस करवाएंगे? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि वे जाँच एजेंसियों को अपनी मुठ्ठी में लेकर के घूमते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार विपक्ष के किसी भी नेता को जेल में डाल सकते हैं? रेड और फिर पूछताछ के नाम पर प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट तो थे, लेकिन अब वे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण नजदीक आने के साथ ही बिहार की काराकाट सीट का समीकरण दिलचस्प होता जा रहा है। पहले उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह की लड़ाई में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एंट्री देखने को मिली, तो अब AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी काराकाट में एक्टिव हो गए। उन्होंने प्रियंका भारती को टिकट दिया है। जब खबरों के माने तो काराकाट में ओवैसी की मौजूदगी पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। काराकाट का चुनावी समीकरण समझने से पहले प्रत्याशियों से रूबरू होना जरूरी है। आपको बता दूं कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में भी काराकाट के सांसद रह चुके हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने राजा राम सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। जब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर ओबीसी की पार्टी ने प्रियंका भारती को अपना प्रत्याशी चुना है। काराकाट में 18 लाख से ज्यादा वोटर है, जब 3 लाख यादव, 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम और कुर्मी मतदाता है, या इसके अलावा 1.5 लाख निषाद, 75,000 ब्राह्मण और 50,000 भूमिहार वोटर भी काराकाट में मौजूद है। आपको बता दूं कि AIMIM के प्रत्याशी प्रियंका भारती लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई रही। जब प्रियंका निषाद समाज से ताल्लुक रखती हैं, या ऐसे में 1.5 लाख निषाद और 2.5 लाख मुस्लिम मतदाताओं में से कई लोगों का समर्थन प्रियंका को मिल सकता है। वहीं पर काराकाट के राजपूत वोटर्स का झुकाव पवन सिंह की तरफ है, या इसके अलावा युवाओं में भी पवन सिंह को लेकर के काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं पर AIMIM की एंट्री से पहले काराकाट में बीजेपी की सीट मुश्किल में दिख रही थी। जब मुस्लिम वोटर्स इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम के समर्थन में थे, तो फिर पवन सिंह को राजपूत और युवाओं का साथ मिल रहा था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को घाटा हो सकता था, मगर अब परिस्थितियां काफी हद तक बदल गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो प्रियंका भारती के आने से इंडिया गठबंधन की वोट बैंक में सेधमारी होगी और पवन सिंह का वोट भी बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा उपेंद्र कुशवाहा को होने की उम्मीद है। हालांकि वास्तविक नतीजे तो 4 जून को ही सामने आएंगे।
दोस्तों आम लोगों को कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब चलते चलते उनकी गाड़ी इसलिए रुक जाए क्योंकि तेल खत्म हो गया हो। लेकिन आम ही नहीं बल्कि खास लोगों के जब हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो जाए तो फिर मामला बेहद हैरान करने वाला बन जाता है। ऐसा ही मामला रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुआ जब उनके हेलीकॉप्टर ने इसलिए उड़ान नहीं भरी क्योंकि उसमें तेल ही खत्म हो गया। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्हें पटना के पास मसूरी से सड़क मार्ग से वापस लौटना पड़ा। जहाँ एक तरह से ये मामला सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा चूक से जुड़ा हुआ रहा जहाँ क्योंकि एक बड़ी लापरवाही उसमें देखने को मिली। जहाँ सीएम नीतीश कुमार रविवार को पाटलिपुत्र संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव का चुनाव प्रचार करने मसूरी गए थे। मसूरी गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। बाद में वे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो पता चला कि उनके हेलीकॉप्टर का तेल ही खत्म हो गया है। जैसे नीतीश कुमार ये सुनकर के हैरान रह गए कि पायलट पटना से उड़ने के समय आनन फानन में तेल लेना भूल गया था। जैसे सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ गए, उन्होंने तुरंत आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करने का फैसला किया। दोस्तों छपरा में 20 मई को मतदान के अगले दिन हुई हिंसा मामले में सारण के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला पर गाज गिरी है। उन्हें कप्तान के पद से हटा करके मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को सारण के कप्तान का प्रभार दिया गया है। यह डॉक्टर कुमार आशीष 2012 मैच के आईपीएस हैं। रविवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं पर एसपी गौरव गंगला को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया है। वे अभी पदस्थापन के प्रत्याशा में पुलिस मुख्यालय में रहेंगे। आपको बता दूं कि सारण में चुनाव के दौरान हिंसक घटना के बाद आयोग ने यह कदम उठाया है। यह भारत निर्वाचन आयोग के फैसले पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दूं कि कल ही इस मामले में कमिश्नर और फिर DGI ने जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई थी, जिसके बाद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर के कई अफसरों पर गाज गिरने की चर्चा तेज हो गई थी। छठे चरण के मतदान के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया है कि अभी जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जांच में घटना के दिन से लेकर के इस मामले में की गई कार्रवाई तक का जिक्र किया गया है। इस दौरान किससे क्या चूक हुई इस पर भी फोकस किया गया है। यह रिपोर्ट में प्रशासन और फिर अन्य लोगों के द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी मामले में भी कई तथ्यों का जिक्र किया गया है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। रविवार को यानी कि कल अमित शाह काराकाट संसदीय क्षेत्र के दाऊदनगर पहुंचे जहां चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जहां NDA के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट की अपील कर जनता से की है। जहां वहीं पर विपक्ष पर अमित शाह जम करके बरसे। काराकाट संसदीय क्षेत्र के दाऊदनगर में अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ संबोधन को शुरू किया। जहां स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिन्हा को उन्होंने प्रणाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरण के चुनाव परिणाम की रिपोर्ट आई है, जिसमें 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीत चुके हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। छठा और फिर 7वां चरण 400 पार कराने का है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर हमला करके इंडिया गठबंधन को घेरा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए राहुल गांधी है तो फिर दूसरी तरफ अति पिछड़ा घर में चाय बेच करके पलने वाले नरेंद्र मोदी है। वहीं पर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु है, एटम बम है। जब पाक अधिकृत कश्मीर मत मांगो। हम आज काराकाट से राहुल गांधी को कहना चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी से के कार्यकर्ता हैं, हम एटम बम से नहीं डरते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है और रहेगा, हम उसे लेकर के रहेंगे। यह हमें कोई भी नहीं रोक सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल से आपकी सरकार थी, अयोध्या में राम मंदिर का मामला सालों से लटका हुआ था। जहाँ इन लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को लटका करके रखा, मोदी जी ने 5 साल में ही केस जीता, भूमि पूजन किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब बरसे। जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है, गुजरात में मुसलमान के 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है, अब इसमें सूची के अनुसार नाम भी है जिसमें मुसलमान जातियां हैं। प्रधानमंत्री जी आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहां मिल रहा और क्यों मिल रहा है आरक्षण, इसका भी ज्ञान हम आपको दे दें। मंडल कमीशन की सिफारिश पर के बाद ये मिलना शुरू हुआ है और मंडल जब आया था और फिर आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में आडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है, आपका धमनी में ही आरक्षण विरोधी है, प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण OBC ST ST का विरोधी है, ये सच्चाई है। ये क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को, उनको ज्ञान होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे
जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री जी की भाषा में भारी गिरावट देखी जा रही है और ऐसी भाषा वे बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक हैं उनको भी प्रधानमंत्री जी की भाषा पसंद नहीं आती। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम करने की बात करनी चाहिए। मैं छोटा हूँ लेकिन इनको संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। जरा प्रधानमंत्री जी से पूछे कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा पूरे देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। हमारे बिहार का पूरा डेलीगेशन विधानसभा का गया था, जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था हम खुद 1 घंटे तक प्रधानमंत्री जी से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना कराई और 75% आरक्षण बढ़ाई है। दोस्तों, मोदी जी के मुजरा वाली टिप्पणी पर बवाल हो चुका है जब विपक्ष ने कहा है कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है, इसी बीच बयानों के वानों की बौछार हो रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर बवाल मच गया है। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द सुना। मोदी जी, ये कैसी मनोस्थिति है? आप कुछ लेते क्यों नहीं है? अमित शाह और फिर जेपी नड्डा को तुरंत उनका इलाज कराना चाहिए। शायद सूरज के नीचे भाषण देने से उनके दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। वहीं पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि नारी शक्ति से आदमी अब मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर गया है। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल के पीआर और फिर सावधानी पूर्वक तैयार की गई छवि के बाद मोदी अब अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। यह इतनी घटिया भाषा, ये सोच के भी डर लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेश यात्रा के दौरान वे क्या क्या कहते होंगे। वहीं पर समाचार एजेंसी पीटीआई ने मनोज झा के हवाले से कहा कि वे पीएम मोदी जो कह रहे हैं उससे चिंतित है। जब मैं अब उनके बारे में चिंतित हूँ, जब कल तक हम उनसे असहमत थे अब हमें उसकी चिंता हो रही है। जब मैंने हाल ही में कहा था कि वे भव्यता के भ्रम का शिकार हो रहे हैं, मछली मटन मंगलसूत्र और मुजरा, क्या ये एक पीएम की भाषा है? उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से असहमत होता था, अब मुझे प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। जब वे मेरे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जुबान कैसी है? कौन सी फिल्म देख करके ये डायलॉग लिखे जा रहे हैं? अगर कोई ये कहने लगे कि मैं देवीय रास्ते से आया हूँ, मेरा जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है, अगर हम और फिर आप ये बात कहें तो फिर लोग कहेंगे कि इसे डॉक्टर के पास ले चलो। दरअसल बिहार में काराकाट और फिर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में बैक टू बॉय रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार वह भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इस धरती पर घोषणा करना चाहता हूं कि मैं SC ST और फिर OBC को उनके अधिकारों से वंचित करने और फिर उन्हें मुसलमान की ओर मोड़ने की इंडिया गठबंधन की योजना को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर के प्रचार चरम पर है, जहां तमाम दलों के प्रत्याशी और स्टार प्रचारक जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। इस बीच 7वें चरण के लिए ADR की रिपोर्ट सामने आई है, जहां 8 सीटों पर 134 उम्मीदवारों के शपथ पत्र पर विश्लेषण से चौंका देने वाला तथ्य सामने आए हैं। जहां अंतिम चरण में कुल मिलाकर के 22% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पर ADR की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 19% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पर राजनीतिक दलों में 37% करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जहां उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.5 करोड़ की है। ADR की रिपोर्ट्स के अनुसार 7वें चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP नेता रविशंकर प्रसाद है, जिनकी संपत्ति 40 करोड़ 60 लाख है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पटना साहिब से ही बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार है, जिनके पास 23 करोड़ 61 लाख की संपत्ति है। जबकि तीसरे स्थान पर काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है, जिनके पास 16 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी नागेश्वर प्रसाद के पास 6,900 रुपए हैं मात्र। इसके अलावा आरा लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह के पास मात्र 15,000 रुपए और नालंदा लोकसभा सीट पर सुधीर कुमार के पास 50,500 रुपए की संपत्ति है। उधर बिहार में 7वें चरण में 8 लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, जहां नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, कारागार और जहानाबाद लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। कुल 134 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे।
दोस्तों खबर बिहार के अररिया से सामने आई है, जहां अररिया के भरगामा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्रह्मोत्तर चकला के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के आदेश का पालन नहीं करना महंगा पड़ गया। प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की लापरवाही उजागर हुई। शिक्षकों के एक सप्ताह का वेतन काटने का आदेश DPO स्थापना को दिया, साथ ही वेतन कटौती की राशि जिला कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों बिहार में मौसम में बदलाव और गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से चमकी बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। जब बीते 3 दिनों में 2 केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद SKMCS के पिसू वार्ड में इस साल AES की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि सभी बच्चे अपना इलाज करा करके घर लौट चुके हैं। जब मुजफ्फरपुर में तेज धूप और फिर गर्मी से चमकी बुखार के फिर से मामले बढ़ने लगे हैं, SKMCS मेडिकल कॉलेज के पिसू वार्ड में भर्ती एक बच्चे में AES की पुष्टि हुई है, जो इस दौरान तेज बुखार को लेकर के आधा दर्जन बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। वहीं पर अब तक PICU SKMCS में 15 बच्चे AIS के से प्रभावित हुई है, इसमें 9 बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के जबकि अन्य 6 बच्चे अन्य जिलों के हैं, जो कि सीतामढ़ी शिवहर और वैशाली जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया है कि मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के एक 4 वर्ष के बच्चे AIS की पुष्टि के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर के 9 हो गई है। अब तक कुल 15 बच्चे में AIS की पुष्टि हुई है, जिनमें की 6 बच्चे अन्य जिलों में शामिल है। दोस्तों RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर के आरक्षण और फिर संविधान की जानकारी दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर के जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं, जब पहले वे हकीकत को जानें और समझें। जब झूठ फैलाने वालों को आईना दिखाना तो हमारा काम ही है। जब पत्र में तथ्यों के साथ सारी जानकारी दे दी गई है, तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार आकर के सिर्फ बकैती करने से काम नहीं चलेगा। PM मोदी के मुजरा वाले बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उनकी और फिर BJP के जो समर्थक हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो गया है, यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे, वे कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? तेजस्वी यादव ने कहा कि जांच एजेंसी का कोई भी वैल्यू नहीं रह गया है, जहाँ जांच होती ही नहीं है। प्रधानमंत्री का मन किया उसको इनकी मदद से उठा लेते हैं। सारे संवैधानिक संस्थानों को इस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है। जब बिहार का नौजवान नौकरी देने की बात करता है तो फिर उसको जेल भेजने की धमकी देते हैं, इनको युवाओं से इतनी नफरत क्यों है? वहीं पर PM मोदी के ये कहने पर कि नौकरी देगा तो फिर जमीन ले लेगा, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी, किसकी जमीन ली गई है? यहाँ आकर के बकैती करने से नहीं चलेगा, काम का हिसाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री एक युवा बिहारी से डर गए हैं, 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है, या उसके पहले हिसाब दें उसके बाद इधर उधर की बात करें। दोस्तों बिहार के 2 दिग्गज भोजपुरी फिल्म स्टार काफी चर्चा में रहते हैं, पवन सिंह और फिर खेसारी लाल यादव। लेकिन पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से अब वे और भी ज्यादा सुर्खियों में हैं। इस बीच पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताने वाले खेसारी लाल यादव ने उन्हें लेकर के बड़ा बयान दिया है। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को शेर बताया है और कहा है कि कलाकार को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा है कि राजनीति का सहारा वही लेता है जो कमजोर होते हैं। पवन सिंह को किसी दल की जरूरत नहीं है, कमजोर लोग पार्टी पर निर्भर हो जाते हैं। पवन सिंह शेर है, वह अकेले ही काफी है, जहाँ अकेले ही चुनाव जीतेगा। उनके समर्थन में मैं भी काराकाट जाऊंगा, रोड शो से लेकर के हेलीकॉप्टर शो भी करूंगा। यह दरअसल बिहार के भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भोजपुरी गायक पवन सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। जब पवन सिंह को BJP से निष्कासित किए जाने पर उन्होंने कहा कि एक कलाकार को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। पवन सिंह अकेले मैदान में शेर की तरह है, जहाँ उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। पहले भी खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के चुनाव लड़ने की खबर पर उनका समर्थन किया था, अब उनके लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि दोनों कलाकार का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डंका बजता है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार में शराबबंदी की घोषणा की तो फिर एक बहुत बड़ा तबका उनके समर्थन में उतर आया। माना जाता है कि CM नीतीश कुमार के इस कदम को महिलाओं का भरपूर साथ मिला, या इस कदम के लिए नीतीश कुमार को राजनीतिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार तमाम विरोध के बावजूद भी अपने फैसले से नहीं डिगे, जब अब दुनिया की जानी मानी पत्रिका लॉसेंट ने भी उनकी इस नीति का लोहा माना है। जब पत्रिका ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से कई तरीके के फायदे हुए हैं, एक तरफ जहां स्वास्थ्य से संबंधित लाभ हुआ है तो दूसरी
तरफ हिंसा में भी कमी आई है। बिहार में साल 2016 में शराब पर लगाए गए प्रतिबंध से रोज और साप्ताहिक रूप से शराब पीने के मामले में 24 लाख की कमी दर्ज की गई है। साथ ही अतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामले में भी 21 लाख की कमी दर्ज की गई है। द लॉसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक नए रिसर्च में ये बात सामने आया है। इसमें कहा गया है कि ये भी अनुमान है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या फिर मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। रिसर्च के दल में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान स्वास्थ्य में विशेषज्ञ भी शामिल थे। अनुसंधानकर्ता ने राष्ट्रीय और फिर जिला स्तर पर स्वास्थ्य और घर घर जाकर के सर्वेक्षण के आंकड़े का विश्लेषण किया। स्टडी के लेखकों ने कहा कि सख्त शराब विनियामक नीतियों, अतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा के कई पीड़ितों और फिर शराब के लती लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से लाभकारी हो सकती है। अनुसंधानकर्ता के अनुसार अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम से पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और फिर सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। जहां सख्ती से इनके क्रियावरण ने इस प्रतिबंध को स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के परिणामों पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक असर का अनुमान लगाने के लिए एक आकर्षक स्वाभाविक प्रयोग बना दिया। दोस्तों, कल बिहार शरीफ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने लोगों को प्रणाम कहकर के अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में पहले अपहरण, हत्या और फिरौती मांगी जाती थी, मासूमों की जान ली जाती थी। जब से नीतीश कुमार आए तो फिर सुख चैन और फिर अमन की सरकार मिली। 18,000 गाँव में 1,000 दिन के अंदर बिजली पहुँचाया। जब मोदी जी ने लालटेन हटा करके हर घर में LED पहुँचाया। लालू यादव बोलते थे कि अगर सड़क बना देंगे तो फिर पुलिस आ जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ, क्राइम करो, जो मर्जी करो, लेकिन मेरी कुर्सी मत छेड़ो। भाकपा माले को लालू प्रसाद यादव खाद पानी दे रहे हैं। ये वही माले हैं जो हत्याएं करते थे, ये वही माले हैं जो जमीन पर लाल झंडा लहरा देते थे। आपको मालूम है कि राजद का मतलब है राष्ट्रीय विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। ये लोग अपनी जाति के भी नहीं है, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता की है। ये लोग परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज आदमी के जीवन में काफी बदलाव आया है। जब कोरोना की मार को अमेरिका, यूरोप और जापान नहीं झेल पाया, जब वो ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या फिर अर्धतंत्र। जब मोदी जी ने देश में लॉकडाउन लगाया, उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। 9 महीने के अंदर 2 टीका तैयार करके भारतवासियों को बचाने का काम किया है। आज अमेरिका और यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई है, चीन की अर्थनीति पिछड़ गई है। आज भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज दवाई बनाने सबसे आगे भारत है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा इलेक्शन के अगले फेज के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, जहां बिहार में आखिरी चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो भी चोरी करेगा उसे पीएम मोदी से डरना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस देश में कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा तो फिर उसे प्रधानमंत्री मोदी से डरना होगा। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट के पास आपके पिता लालू प्रसाद यादव ने जमीन ली और उसके में नौकरी दी, या चोरी करने वालों को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और फिर कांग्रेस के लोगों ने जो मुस्लिमों को OBC के नाम पर आरक्षण दिया है, उसकी पूरी तरीके से जांच होगी और इसे खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के जहानाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले मजबूत सरकार थी और अब मजबूत सरकार है। जेपी नड्डा ने कहा कि आपने कमजोर सरकार देखी है, मजबूत और मजबूत सरकार में अंतर क्या होता है, ये सवाल किया गया। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि मजबूत सरकार जब दहशतगर्द इस देश में दहशत फैलाते थे तो फिर मजबूत सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी। मजबूत सरकार उरी पुलवामा जैसी घटनाओं का जवाब हमारे पाकिस्तान में घुस करके देते हैं, ये फर्क है मजबूत और मजबूर सरकार में। उन्होंने कहा कि ये जंगल राज के लोग हैं। जब मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मैंने लालू को छात्र नेता के रूप में देखा है, जब किस तरह से वे भाई भतीजेवाद के खिलाफ लड़ते थे। जब अब यही लालू जी भाई भतीजेवाद करने लगे हैं, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जहानाबाद में 3 बजे तक के बाद न कोई आता था और न ही जाता था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि किसान पलायन कर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, अपहरण हो रहे थे, ये तेजस्वी यादव क्या जाने। लालू यादव के राज में बिहार को क्या डस सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ी है, ये हम जानते हैं।
दोस्तों कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए थे। बिहार के काराकाट में संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव से पूछता हूं कि 10 साल आपकी और फिर सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आपने बिहार को केवल 2,80,000 करोड़ दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ने 14,24,000 करोड़ बिहार को विकास के लिए दिया। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और फिर राम मंदिर बनाने वालों के बीच की है। अमित शाह ने उपस्थित जनता से पूछा है कि आप बताएं कि आपको राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ रहना है या फिर राम मंदिर बनाने वालों के साथ रहना है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को विश्व में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम है, उससे पीओके मत मांगो। मैं यहां पर आज राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि पीओके भारत का हिस्सा है, रहेगा और हम उसको लेकर के रहेंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि परिवारवादी गठबंधन कभी भी प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। काराकाट की सभा का ये उत्साह भरा माहौल बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड विजय का साफ संदेश दे रहा है। राम मंदिर का मुद्दा उठा करके अमित शाह ने कहा कि 70 साल तक लालू यादव और फिर कांग्रेस ने मुद्दे को रोक करके रखा, जब आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। दोस्तों तेजस्वी यादव ने सातवें चरण के चुनाव से पहले आरा में बड़ा दाव खेल दिया है। पूर्व विधायक और जदयू नेता विजेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से मोहभंग होने और फिर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हालांकि जब वे पार्टी छोड़ने की घोषणा कर रहे थे तभी पटना से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का पत्र जारी कर दिया। जब सातवें चरण के लोकसभा चुनाव मतदान से पहले विजेंद्र यादव का अचानक जदयू से इस्तीफा अहम माना जा रहा है। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए के कार्यक्रमों में वे काफी सक्रिय रहे थे। ऐसी संभावना है कि सोमवार को आरा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा में आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसे इनकार किया और बोले कि अभी कुछ और लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। विजेंद्र यादव इससे पहले करीब 3 दशक से भी अधिक समय से राजद से जुड़े रहे। साल 2020 में वे जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री नीरज कुमार के समक्ष जदयू की सदस्यता ली। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर संदेश से चुनाव भी लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उधर पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने जदयू पर पार्टी नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा की थी शनिवार को। इस दौरान पाटलिपुत्र में सभा के दौरान अपने भाषण में इंडिया गठबंधन पर जमकर के निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना हो तो फिर करें, वे एससी एसटी ओबीसी के साथ खड़े रहेंगे। जब पीएम के मुजरा वाले बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। आरजेडी के नेता ने पीएम मोदी के मुजरा शब्द इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सभा में पीएम मोदी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वे देश के प्रधानमंत्री की मुंह से शोभा नहीं देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या ये देश के प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक की गुलामी करना चाह रहे हैं तो फिर करें, या उसके सामने मुजरा करना चाहते हैं तो करें, वो एससी एसटी ओबीसी के साथ है। या पीएम मोदी मुझे बताएं कि क्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आपकी अपने भाषणों में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना उचित है। मुजरा करना जैसी निम्न स्तर की बातें करना क्या किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है। दोस्तों बिहार और दिल्ली में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। यह लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके एक बयान के लिए जमकर के हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनावी जनसभा में बिहार में कहा था कि कुछ दिनों में आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। जब पीएम मोदी के इस बयान को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने विरोध जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल बिहार में मोदी जी ने कहा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। ये बात जब मैंने कुछ दिन पहले कही थी तो फिर मुझसे पूछा गया है कि ये कैसे कह रहा हूं। कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 22 मई को एक जनसभा में कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब वे तेजस्वी यादव और पिनरई विजयन को भी जेल में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस भाषण पर कपिल सिब्बल ने भी विरोध जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बिहार की जनता को एक और गारंटी, मोदी ने कहा कि एक बार जब वे हेलीकॉप्टर पर अपना प्रचार पूरा कर लेंगे तेजस्वी यादव, तो फिर उनका जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। मैं इसे 4 तरह से देखता हूं। पहला यह है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन
वजन है। दूसरा यह है कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियां पीएम मोदी के इशारे पर काम करती है। तीसरा, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा। और चौथा यह है कि कोई भी राष्ट्र ऐसा डिजर्व नहीं करता है। दोस्तों, बिहार में हर साल लगभग 1.5 लाख ओरल कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। एक ऐसी सुनामी की तरह है जिसमें से तकरीबन 50% मरीज की जान चली जा रही है। इसका कारण प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान नहीं हो पाना है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हिलसा में आयोजित एक कार्यक्रम में एम्स दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि मुंह का कैंसर सबसे सामान्य कैंसर है। यह भारत में इसके उत्पन्न होने के कारण नॉन स्मोकिंग वस्तुएं तथा खैनी, तंबाकू, गुटखा एवं पान मसाले का उपयोग करना है। कैंसर सर्जन ने बताया है कि मुंह कैंसर की प्रारंभिक स्टेज में पहचान होने पर रिकवरी का रेट 80-90% तक रहता है। इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका मुंह में छाले या फिर घाव का ठीक नहीं होना, या खून का रिसाव नहीं रुकना है, या गले में दर्द रहित गांठ होना है। इस तरीके के मामले कैंसर के हो सकते हैं। इस तरीके की पहचान के लिए जानकारी के लिए सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। पहचान के इन तरीकों को भी लोगों को जानना जरूरी है। स्टेज 4 में डायग्नोस के कारण ही अननेचुरल डेथ का आंकड़ा 50% है। इन आंकड़ों को कम करने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। इसके लिए लोगों को खैनी, तंबाकू, गुटखा एवं पान मसाले को खाने से बचना होगा। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में रविवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वे मुस्लिम समाज का हुआ है। क्या लालू यादव का बुलडोजर से घर तोड़ा गया? बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई, क्या इनकी औलादों पर गोलियां दागी गई? मोहम्मद शहाबुद्दीन को दफनाने के लिए सीवान की सरजमीन नसीब नहीं हुई। हम लोगों पर जुल्म हुआ, क्या इन लोगों की बेटियों से हिजाब खींचा गया? हमारे धर्म को गालियां दी गई, ये किसने किया? असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में 100 साल का मदरसा जला दिया गया, बताइए ये किसने किया? अगर तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोटरों की फिक्र थी तो उन्हें उस जले हुए मदरसे का मुआयना करने जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि आज तुम ओवैसी को गाली देते हो, तुम्हारी औलाद को कुछ होता है तो फिर सारा बिहार अपने सिर पर उठा लेते हो। लालू यादव कहते हैं कि मेरे परिवार को जेल में डाल रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ है और मेरी तकलीफ क्या है? तेजस्वी यादव जवाब दें, तेजस्वी ने हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया है, अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ये भूल जाते हैं कि हम सभी बिहारी पीएम मोदी से बहुत प्यार करते हैं और इस बार हम उन्हें 40 सीटें देंगे। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का। आपको बता दूं कि बिहार से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए कहा कि वे भूल जाते हैं कि बिहार के लोग पीएम मोदी को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहारियों ने ही बिहार से 40-39 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया था, इस बार 40 की 40 सीट हम पीएम मोदी को देंगे। उन्होंने आगे तेजस्वी पर कहा कि ये बिहारी गुजराती करने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, जैसे वे पिछली बार 0 हो गए थे, इस बार भी वे 0 हो जाएंगे। दोस्तों, खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बिहार के बेगूसराय में एक प्रेमी युगल को रंगे हाथों पकड़ने के बाद जमकर की पिटाई की गई। यह घटना खुदावंतपुर थाना इलाके की एक गांव की है। स्थानीय पुलिस ने रविवार को आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ के चंगुल से एक प्रेमी युगल की जान बचाई है। जब पुलिस अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो फिर प्रेमी और प्रेमिका दोनों की जान चली जा सकती थी। जब पुलिस इस प्रेमी युगल को भीड़ के चंगुल से छुड़ा करके और अपने कब्जे में लेकर के थाना ले आई तब जाकर के उनकी जान बच पाई। थाने पर पकड़े गए प्रेमी युगल से पूछताछ की जा है। ये मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। इस घटना की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने शनिवार की रात में आए प्रेमी युगल को लोगों ने पकड़ लिया है और उसे खंबे से बांध करके पीटा जा रहा है। साथ ही उसकी प्रेमिका के साथ भी मारपीट की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पश्चिमी चंपारण से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के मौजूदा सांसद और पश्चिमी चंपारण से एनडीए के उम्मीदवार संजय जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बेतिया सदर उड़न दस्ता दल ने नगर थाना में संजय जायसवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। दरअसल पूरा मामला बीते 23 मई का है, जब पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी थी। इसके बावजूद भी 24 मई की शाम बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल की आवाज में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इसी मामले को लेकर के सीईओ के आदेश पर उड़न दस्ता दल ने संजय जायसवाल के खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले सामने आए हैं। जब पिछले दिनों वैशाली लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान के रोड शो में बीजेपी विधायक लोगों के बीच पैसे बांटते हुए देखे गए थे। वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है।
दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा, वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उनकी सहानुभूति भी दिखी। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति बोला, वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के द्वारा हाईजैक किए जाने की भी बात कही। जहां नालंदा के अस्थवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में कोई भी विकास काम नहीं किया है। जहां उन्होंने मौजूदा लोगों से पूछा है कि आपके क्षेत्र में मोदी जी का विकास का कोई काम हुआ है, अच्छे दिन की बात कही, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश ही नहीं दुनिया में भी नहीं मिलेगा। जहां गोबर को भी हलवा बना करके पेश कर देते हैं, सिर्फ भाई और फिर बहनों बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जब पेट्रोलियम पदार्थ और फिर रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, रोजगार छिन गया है, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं है कि संविधान को बदल दें। उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दें, हम आपको नौकरी देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। हम और राहुल गांधी ने तय किया है कि पूरे देश में रोजगार देने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं, जहां 7वें चरण के चुनाव के लिए नेता लगातार पसीना बहा रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज पटना साहिब के कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, आप सभी राहुल गांधी की ताकत बनकर के उनके हाथों को मजबूत करें। वहीं पर उन्होंने मीडिया की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार पटना साहिब बदलाव की ओर है, वर्तमान सांसद के खिलाफ सारा समाज गोलबंद हो चुका है, जो उनका इस बार हारना तय है। उन्होंने कहा कि मोदी गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी हो चुके हैं, तब उनके नाम पर कब तक देश को वोट करेगा। उन्होंने कहा कि देश का मूड राहुल गांधी जी को देश का पीएम बनाने का हो गया है। जो देश में इमरजेंसी के समय लहर थी, ठीक वैसे ही लहर इस बार देखने को मिल रहा है, और इस बार कांग्रेस कम से कम 250 सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि पटना साहिब के साथ साथ दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4 मिनट, 5 मिनट या फिर 3 मिनट तो कम से कम ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप अपने टाइम की कदर करते हैं, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, तो अभी KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। आपको बता दूं कि KDB लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दी जाती है, 1 मिनट से भी कम समय में बिहार की खबरें दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से फायदा यह होगा कि आप खुद से भी इसमें खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके अगल पास कोई घटना घटती हो या फिर खुद का आपका कोई खबर हो तो आप उस खबर को KDB लाइव ऐप में अपलोड कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, या बहुत सारी फंक्शनलिटी दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको बिहार न्यूज देखना है तो इस ऐप में बिहार न्यूज से जुड़ी एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बिहार न्यूज से जुड़ी हुई खबरें दिखाई देगी। या फिर अगर आप कोई और इंडिया न्यूज, नेशनल न्यूज देखना चाहते हैं तो आप इंडिया न्यूज को फॉलो कर लेंगे तो आपको नेशनल न्यूज दिखाई देगी। तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल करना नहीं भूलेगा, जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।